और सुनील के ससुराल से हमें मिली ये दिवाली, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे थोड़ी देर में। सुनील भाई, लो भाई आपकी दिवाली। यस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हाँ, सुबह सुबह भाई आज मैं निकल पड़ा हूँ सुनील के ससुराल, क्योंकि हमें लेके जानी थी दिवाली। कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, हम सब पैकिंग कर रहे थे और पैकिंग वगैरह होके गाड़ी में भर दिया है सब कुछ सचिन भाई ने, एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लिटिल ब्रदर। और हम जा रहे सब भाई लोग, सचिन है, वैभव है, मैं हूँ और पायल है। सुनील तो पहले देख के आ गया था लड़की को, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हमें लड़की देखने के लिए नहीं जा रहे, दिवाली लेके जाने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखो, ऐसा हमने कल पैक करके रखा था, इसमें सब खाने पीने की चीज़ें हैं, इसमें वो कपड़े वगैरह है और इसमें फ्रूट्स वगैरह है, तो ये सब उठा के लेके जाएंगे भाई। और हाँ, दिवाली भी शुरू हो चुकी है, तो हमारी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये दिवाली हेल्दी जाए, अच्छे से आप सब इंजॉय करो दिवाली को, फटाके वटाके जलाओ, मजे करो। आज धनतेरस है तो इसके लिए पायल ने देखो इधर रंगोली बना दी है। पायल रेडी हो रही है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। ये मैंने नया शर्ट पहन लिया है आज, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और सुनील ऊपर, और सुनील का है ना आज काम चल रहा है, सुनील को आज छुट्टी नहीं लेनी पड़ी क्योंकि हम जाने वाले थे। सुनील तो ऑलरेडी देख के आ गया लड़की को, है ना पायल। और ये देखो, ये गरीब आदमी काम कर रहा है और हम जा रहे हैं घूमने। जा रहे हो क्या? चू चू वड़ा, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। तो दोस्तों, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और सब सामान गाड़ी के अंदर डाल दिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। बैठो रे भाई, कौन चलाने वाला है गाड़ी, बैठ जाओ। अबे जाएंगे हम ठीक से। मम्मी बाय, बैठो, सबके सब बैठ जाओ। ए चिकू मी कुछ काजे घर का बाबा, फॉर अ परफेक्ट मोमेंट जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। ध्यान में रखे इसको। Never wait for a perfect moment. Take a moment and make it perfect. Bola Ganpati Bappa. Moriya. Hey, Chiku mi kula pack karun de gharat. Hamade tu mi tel le. Chalo bhai, abhi na yahan se 1 ghante mein hum wahan pe pahunch jayenge. Sunil ka jo sasural hai, wo mere sasural se ekdam nazdeek hai. To ek hi baar mein hum abhi 3 logo ko wahan pe chhod ke aa sakte hain ek hi baar mein. Hai na Payal? मैगी दो रुपीस की मैगी, 2 मिनट में मैगी। तो चलो भाई, थोड़े से स्वीट्स लेके आते हैं उनके घर देने के लिए। इस स्वीट शॉप से ले लेते हैं। क्या क्या ले स्वीट में? ये पेड़े दे अर्धा किलो, ये दे अर्धा। मिठाइयाँ ले लिए दोस्तों। चलो अभी कहीं पे भी रुकना नहीं है, अभी सीधा उनके घर जाएंगे। तो अभी हम कोपर गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आ गए पायल के पापा, पायल को मिलने के लिए। है ना पायल? हाँ। तुम्हें मिलने के लिए या फिर कोई काम है उनका? काम है, तेरा काम है इसलिए आए है क्या? बहाना है सिर्फ, मुझे लगा तुझे मिलने के लिए आए हो। रेशमी के नोटबुक्स देने हैं पायल को, पायल की सिस्टर है ना रेशमी, उसके नोटबुक्स देने थे। ये देखो भाई, ससुर जी ने चाय पिला दी हमको, पायल तुम्हारे पापा ने चाय पिला दी हमें। चलो भैया निकलते हैं, अभी बॉटल ले लो भाई, पानी घेऊन टाक, देता नहीं काम होगा अपने। और ये है भाई कोपरगाव, यहाँ से टर्न लेना है सुनील के ससुराल जाने के लिए, वैष्णवी के घर से। वैष्णवी का घर रास्ते में पड़ता है, वैष्णवी को चाह के भी हम टाल नहीं सकते। ये देखो, ये वैष्णवी का घर है और यहाँ से हमें आगे जाना है सीधा, आज नहीं रुकेंगे, आते टाइम रुकेंगे। तो यहाँ से सीधा जाएंगे, फिर सुनील का ससुराल आ जाएगा 2-3 किलोमीटर यहाँ से सिर्फ। और फिर अब यहाँ पे खाना वाना सब होगा हमारे लिए, आई होप रहेगा ना।
नहीं तो उसके लिए जा रहे, मैं तो बिना खा के आया। नहीं दिया तो फिर वैष्णव के घर आना पड़ेगा। रहता है जगह भी नहीं जा सकते हम, बोल भी नहीं सकते वो पूछेंगे ना कुछ बनो के खाने के लिए, पहले नहीं बोलने में ना बनाओ बनाओ। एक जन नहीं बने। पहुंच गए सुनील के ससुराल वाले गांव में, उनका घर ढूंढना पड़ेगा। मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं उनका घर कहाँ पे है, किसी को पता नहीं है। मुझे पता है। तुझे पता है वायल? ना फिर कब बताएगी? अरे मैं बताता बताओ फिर रास्ता बताओ। सीधा सीधा चलो। पायल को पता है, पायल आई है, पायल की दोस्त भी है वो लड़की जो है हमारी होने वाली, जो हमारी बहू है हमारे घर की, वो पायल की दोस्त भी है। यू गाइज आर म्यूचुअल फ्रेंड्स। पायल और वो दोनों ही एक दूसरे के सेम क्लास में थे, पर वो छोटी है शायद पायल से थोड़ी, 6-7 महीने एज से। हाँ और रुतबे से भी होने वाली है शायद वो सुनील का। हाँ। सुनील तो मेरे से छोटा ही है, तो पायल सबसे बड़ी होने वाली है हमारे घर में। वैभव की जो वाइफ है ना वो पायल से भी बड़ी है ना, एक साल बड़ी है उम्र में, पर फिर भी उसको पायल ही बड़ी रहने वाली, क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना घर में। वही नहीं तुम ऐसा होने वाला है, मतलब पायल से आने वाली जो जितने भी बहू है वो पायल से चाहे उम्र में बड़ी हो, पर वो हमेशा पायल से, मतलब आप बोल सकते हो जो होता है ना, अब मैं बड़ा हो तो मेरी बीवी को भी बड़ा ही समझा जाता है चाहे हो ना हो, है ना पायल? रुबा यहाँ से कहाँ जाना है भाई? इधर माला एक मिनट था मलते नाव सर जयवंत। सरल ना ये देखो, ये है मेरा मौसी का लड़का, ये हमें लेके जाएगा उनके घर। कुट जाए से रहे आईडी कार्ड देखो। चलो भाई पहुंच गए हम इनके घर। अभी सब दिवाली वगैरह अंदर लेके जाते हैं, अभी कुछ ब्लॉगिंग नहीं होगी, तो मिलते हैं आपको सीधा सब कुछ होने के बाद, ठीक है? मेरे पीछे इनका घर है ससुराल सुनील का। तो हम लोगों का खाना वाना तो हो चुका है, अभी जा रहे हैं रंजीत के घर, एकदम चुपके से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम अभी निकल चुके हैं हमारे रिश्तेदारों के घर से, अभी रिश्तेदारी बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि ये अभी फिक्स हो चुका है ना ऑलरेडी सब कुछ। तो दिवाली हमने दे दी है हमारे होने वाले बहू के घर, तो वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, पूरन पोड़ी थी, सचिन को बहुत पसंद आई, सबको ही पसंद आई। और ये देखो भाई सचिन के दोस्त स्वागत कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं। तो हाँ तो हमने खाना वाना खा लिया था, फिर उन लोगों ने हमें टीका वगैरह लगाया, टोपी वगैरह पहनाई, जो मतलब हाँ राइट जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन बोल सकते हो, रिवाज बोल सकते हो, तो उस तरीके से हुआ रिचुअल। और फिर हमने जो मैंने तो पहली बार देखा, जो हमारी होने वाली बहू है हमारे घर की, इन लोगों ने भी पहली बार देखा होगा। हाँ पायल तो पहले से पहचानती थी उससे, तो बस खाना वाना खा के फिर हमारी मौसी जी पास में ही रहते हैं तो उनके घर पे गए, वहाँ पे चाय वाय पी, और अभी हम लोग फिर से अभी निकल रहे हैं घर, और वेबो का ऑफिस भी है आज तो इसलिए जल्दी निकल रहे हैं, नहीं तो अभी हम लोग रुकते थे अभी आधे घंटा और रुकते थे, पर वेबो का ऑफिस भी स्टार्ट हो जाएगा, उसने आज लीव नहीं डाली है ना, और उसका टाइमिंग थोड़ा दोपहर में रहता है, तो हम इसलिए जल्दी निकल रहे हैं अभी। और अभी एक और स्टॉप है वो होने वाला है वैष्णवी के घर, मिठाई का डब्बा है ना वैष्णवी के लिए। हाँ। मौसी जी ने दिला था ना। हाँ। तो बस यही सीन है अभी तो। और हाँ अभी येवला में भी रुकना पड़ेगा, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारी लाइटिंग मिल नहीं रही थी, तो नई वाली लाइटिंग खरीदनी पड़ेगी। तो सचिन भाई तो हमारे मैडम जी मोबाइल भूल गए लगता है, करो फोन करो, मुझे लगता है रह गया, आएगा। अब मैं पास में नहीं था ना इसके लिए, तो मेरी जेब में डाल दिया होता इतने टाइम में। सचिन भाई राइट ले लो, पुरणपोळ्या भारी होता है का? भारी होता है, मला पुरणपोळ्या लय आवडल्या।
और दोस्तों ये जो गांव है सुनील का जो ससुराल अभी होने वाला है इसमें हमारे बहुत ज्यादा मेहमान लोग है। नहीं, हमारे पापा के भाई है, उनके यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मोसेरे भाई, इनके घर जाना है अभी। सचिन भाई स्लो कर दो, चलो चाय पी के मिलते हैं आपको दोस्तों। तो चलो भाई चाय वाय पी के अभी जाते हैं वैष्णवी के घर। वैष्णवी के घर पे ही चाय पी, इतनी चाय पी है भाई मैंने, एक साल का चाय पी लिया मैंने आज। पहुंच गए वैष्णवी के घर, चाय पी के मिलते हैं दोस्तों फिर से। तो दोस्तों वैष्णवी के घर से हम चाय पी के निकल चुके हैं, अभी जा रहे पायल के घर चाय पीने के लिए। भाई इतना तंग करके रखा है, एक का हो गया कि एक का फोन आ रहा है, ना भी नहीं कह सकते यार, क्या करना पड़ता है। अभी ऐसे फोन करके बुलाएंगे तो ऐसा लगता है रूड हो जाएगा फिर। तो अभी हमें फिर से अभी पायल के घर जाना पड़ेगा। इस महीने में पायल के घर में 35 बार जा चुका हूँ। एक महीने में तीन होते हैं 30, एक महीने में दिन होते 30, और मैं कम से कम 35 बार पायल के घर जा रहा हूँ। इतनी बार जा रहा हूँ अभी वो लोग भी तंग हो जाएंगे यार, कितने बार आता है ये ससुराल। ये है पायल का प्राइमरी स्कूल। पहले घर देख लो तुम लोग, अभी मैं ही दिखा देता हूँ तुम दोनों को घर। तुम दोनों पहली बार आए हो ना, मेरा तो भाई इधर का ही हो गया हूँ मैं अभी परमानेंट। मेरा रेसिडेंस इधर का ही करवाना चाहिए मुझे अभी। तो ये देखो सचिन भाई, इधर है बेडरूम, उसके पास अटैच बाथरूम है, वही इधर एक बेडरूम है तेरे लिए। ये है किचन, हाँ ये बड़ा है ना इतना, पहले वो खिड़की तक ही था। पहुंच गए मेरे ससुराल, चाय नंबर 11। बाय बाय नानी, बाय बाय। भाई सबसे ज्यादा मजे किसके हो रहे पता है, पायल के। हर मेहमान के घर जाते ही पायल को एक नई साड़ी मिल रही है। आते टाइम अलग साड़ी थी, अभी देखो अलग साड़ी है, अभी और एक साड़ी उसके बैग में है। हर जगह जाती है ना, अभी पहली पहली बार जा रही है ना, तो सभी लोग उसको साड़ी दे देते हैं। चलो भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ थोड़ी देर अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं येवला में, और येवला से हमें खरीदने हैं कुछ लाइटिंग्स, क्योंकि हमारे घर में जो लाइटिंग पड़े हुए थे वो तो हमारे गुम हो गए। यहाँ पे मिल सकता है दीपक लाइट हाउस में, लाइटिंग आएगा भाई। इनने बताया कि यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे माला मिलेंगे, हमारे मेन वाले शॉप पे जाओ, वहाँ पे बड़ा वाला बड़ी वाली माला मिल सकती है। सचिन भाई के भरोसे आ गए हमें दुकान देखने के लिए, इतना लंबा जाना पड़ रहा है ना पैदल, मैं सोच रहा था कार लेके आओ। तो यहाँ पे हमें एक दुकान मिल चुका है। लाइटिंग पाई जाए मोटी वाली पाई मोटी। तो दोस्तों फाइनली हो गई अपनी शॉपिंग दिवाली की। चलो भाई अभी बहुत हो गया वेट, निकलते हैं सीधा घर। चीकू पीकू क्या कर रहे हैं? फाइनली दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, सुनील की दिवाली लेके हम आ गए हैं, और सुनील के ससुराल से हमें मिली ये दिवाली, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे थोड़ी देर में। वाओ पहले ये निकालो ना मम्मी। कौन सा वाला ये रहा है? दो। ओ हैप्पी दिवाली गाइस। सुनील भाई लो भाई आपकी दिवाली। यस फाइनली सारे डिब्बे कर पहले लेके आ गए हम लोग, अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका मराठी ब्लॉग भी बनाएंगे, क्या क्या दिवाली के गिफ्ट्स आए इसके लिए। ठीक है पहले लाइटिंग लगाओ भाई दिवाली की, और पायल ने दिए भी जला दिए। वाओ बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यार, एक मिनट रुको मुझे फोटो भी निकालना पड़ेगा अभी इंस्टाग्राम पे ले। यार ये दिए कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कैसा दिख रहा है दोस्तों हमारा घर? सुंदर दिख रहा है ना? वाओ आज धनतेरस है तो त्याची पूजा चल रही आता घरी। तो दोस्तों फाइनली दिवाली की अभी अनबॉक्सिंग शुरू हो चुकी है, जो भी गिफ्ट्स हमें मिले हैं उनकी तरफ से जो दिवाली हमें मिली है। पायल खोलो सब कुछ, इसमें चिवड़ा है, इसमें शेव है, और दादाजी भी मौजूद है आज। तो दोस्तों कल मैं आपको इसका डिटेल में दिखा दूंगा सब कुछ, क्या कुछ आया है। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो कल के हिंदी ब्लॉग में एक मिनट तो कल के हिंदी ब्लॉग में इसका पूरी तरीके से आ जाएगा कि क्या क्या था इसमें। तो ठीक है मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और भाई मेरी ना गंदा वाला पोपट हो गया है मेरे ससुराल में। मैं घर से बाहर निकला, मैंने मेरी चप्पल देखी और मैंने चप्पल पहन ली। थोड़ी देर बाहर आया तो माउली मुझे बोलता है, दाजी आपने मेरी एक चप्पल पहनी और आपकी एक चप्पल पहनी।
भाई यार इतना बुरा लगा ना ये गरीब मैं अच्छा उसने बताया मुझे, नहीं तो मैं एक उसकी चप्पल और एक मेरी चप्पल घर गया होता यार, मतलब मैंने देखा था मेरी चप्पल पहन रहा ऊपर With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't.